अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब बाज़ार। दोस्तों नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे टीचिंग की जॉब्स के बारे में, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में ये अनाउंस हुई हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है पूरे पंजाब के लिए। तो आपको इस वीडियो में बताएँगे कि इसमें कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल प्रोसीजर आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब बाज़ार को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जॉब्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये इसका ऐड है, ये काफ़ी लार्ज ऐड है, ये आप देख सकते हैं। इसमें टीचिंग की जॉब्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी है। तो आपको कम्प्लीटली ऐड दिखाते हैं, आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि ये कम्प्लीट ऐड है और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद में ये जॉब्स हैं। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटीज़ अफेयर डिपार्टमेंट है ये। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले पोस्ट जो है ये सोशल मोबिलाइजेशन ऑफिसर की है। इसमें मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे एज मेंशन है, जेंडर, और इसके अलावा टेस्ट सिलेबस मेंशन है कि कहाँ कहाँ से टेस्ट आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं सोशल काउंसिलिंग ऑफिसर की इसमें जॉब्स हैं। मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों। इसके आगे इसका टेस्ट क्राइटेरिया मेंशन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर है ह्यूमन राइट्स, और इसमें मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं आगे इसका टेस्ट क्राइटेरिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें आप देख सकते हैं 46 पोस्ट हैं प्लानिंग ऑफिसर की, ये आप देख सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों। और इसमें आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इकनॉमिक्स, स्टैट, कॉमर्स, इकनॉमिक्स, और इसके अलावा देख सकते हैं आप इकोनॉमिक पॉलिसी या एग्रीकल्चर में या ट्रांसपोर्टेशन में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में या डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में, या किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, वो इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इसका टेस्ट क्राइटेरिया मेंशन है। इसके आगे आप देख सकते हैं असिस्टेंट चीफ की इसमें पोस्ट है, या आप देख सकते हैं MSc इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों। इसके बाद ये नीचे टीचिंग की जॉब्स आती हैं, ये आपको बताते हैं इसमें कैसे अप्लाई करना है। तो ये डिपार्टमेंट है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड। इसमें सबसे पहले पोस्ट आप देख सकते हैं, चार पोस्ट हैं स्टेनोटाइपिस्ट की। इसमें FAFSC वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों। इसके बाद 28 पोस्ट हैं, इसमें आप देख सकते हैं 28 पोस्ट हैं इसमें जूनियर क्लर्क की। इसमें इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड हो, मेल्स और फीमेल्स दोनों, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं पांच पोस्ट हैं केयर टेकर की। इसमें BA, BSc, BCom, BBA वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों। इसके बाद आप देख सकते हैं ये टीचिंग की पोस्ट हैं 58। ESC है, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन, ये आप देख सकते हैं उर्दू की, इसमें देख सकते हैं टीचिंग की जॉब्स हैं उर्दू की। तो इसमें MA उर्दू वाले अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड डिवीजन में, और जो आप देख सकते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है BEd हो या MEd हो या MA हो एजुकेशन में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड डिवीजन में। तो इसमें आप देख सकते हैं BS उर्दू वाले इसमें एक्सेप्टेबल, आल्सो एक्सेप्टेबल हैं, BS उर्दू जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों। इसके आगे इसका टेस्ट क्राइटेरिया मेंशन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से टेस्ट आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं 53 पोस्ट हैं ESC इंग्लिश की, स्कूल एजुकेशन की, इंग्लिश डिपार्टमेंट की। इसमें BA वाले अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश में, जो इंग्लिश में सेकंड डिवीज़न, या आप दे सकते हैं BA में सेकंड डिवीज़न हो, या फिर आप दे सकते हैं इसमें मास्टर इंग्लिश में हो, आप दे सकते हैं सेकंड डिवीज़न में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BEd, MEd, MA वगैरह इसमें हो, तो ये भी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप दे सकते हैं BA, BS ऑन्स इंग्लिश में, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुएशन वालों के लिए मोस्टली ये पोस्ट है, मेल्स और फीमेल्स दोनों, ये आप दे सकते हैं। इसके आगे इसका टेस्ट क्राइटेरिया मेंशन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से इसमें टेस्ट आएगा। इसके आगे आप दे सकते हैं 162 पोस्ट हैं ESC जनरल टीचर की, इसमें पोस्ट हैं 162, और इसमें BA, BSc, BA हॉन्स, और इसके अलावा आप दे सकते हैं BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BS वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इसके जो आगे आप देख सकते हैं टेस्ट क्राइटेरिया मेंशन है, ये आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्रोसीजर आपके सामने है, मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आगे आप देख सकते हैं कि ये एक और डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है, ये भी सेम डिपार्टमेंट है, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और इसमें 43 पोस्ट हैं ESC साइंस की टीचर्स की, इसमें जॉब्स हैं, ये आप देख सकते हैं।
इसमें बीएससी जुआलॉजी बॉटनी और इसके अलावा केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमएससी विद केमिस्ट्री जुआलॉजी बॉटनी सेकेंड डिवीजन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 43 ये पोस्ट हैं साइंस में, मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसका टेस्ट क्राइटेरिया मेंशन है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं 48 पोस्ट हैं मैथ की, इसमें बीएससी विद मैथ ए एंड बी दोनों जिनका होता है बीएससी डबल मैथ वाले वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एमएससी मैथ फिज़िक्स एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसका टेस्ट क्राइटेरिया मेंशन है तो ये आप दे सकते हैं। इसके बाद आप दे सकते हैं एएससी मैथ एंड साइंस है, इसमें 53 पोस्ट हैं। इसमें बीएससी सेकेंड डिवीजन आप दे सकते हैं केमिस्ट्री जुआलॉजी बॉटनी फिज़िक्स मैथ ए एंड बी, तो ये इसमें आप दे सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आगे इसका टेस्ट डेट टेस्ट क्राइटेरिया आप दे सकते हैं, ये आप दे सकते हैं। इसके बाद आप दे सकते हैं इसमें 27 पोस्ट हैं अरबिक टीचर की, इसमें बी ए बी सी सेकेंड डिवीजन हो अरबिक के साथ या शहादतुल अलमिया जो सब्जेक्ट है उसके साथ ये आप दे सकते हैं, तो इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं अरबिक टीचर में, आप दे सकते हैं। आगे इसका टेस्ट क्राइटेरिया मेंशन है। इसके अलावा 11 पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, ये आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं 11 पोस्ट है इसकी, और इसमें बीए बीएससी सेकेंड डिवीजन में आप दे सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस में हो तो मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप दे सकते हैं 54 पोस्ट हैं इसमें ईएससी पीटीआई की, और इसमें आप दे सकते हैं बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन हो या आप दे सकते हैं, कंप्लीट प्रोसीजर आपके सामने है, तो इसमें आप दे सकते हैं कि आगे आप दे सकते हैं, इसमें टेस्ट क्राइटेरिया आपके सामने है। इसके बाद आप दे सकते हैं 9 पोस्ट हैं इसकी लेबॉरेटरी असिस्टेंट की, इसमें बीएससी सेकेंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसका टेस्ट क्राइटेरिया मेंशन है। इसके आगे आप दे सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पंजाब है, और इसमें 2 पोस्ट हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, एमएससी कंप्यूटर साइंस में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप दे सकते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें भी एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे डिपार्टमेंट सेम है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और इसमें 21 पोस्ट हैं स्टाफ नर्स की, इसमें डिप्लोमा नर्सिंग में डिप्लोमा हो मिडवाइफरी में वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 27 पोस्ट हैं। इसके अलावा आप दे सकते हैं 4 पोस्ट हैं इसकी वुमेन मेडिकल ऑफिसर है एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। 13 पोस्ट हैं इसमें आप दे सकते हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, वो भी इसमें एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप दे सकते हैं लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है नीचे, इसकी 31 पोस्ट हैं अकाउंट असिस्टेंट की, बीकॉम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये आप दे सकते हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों। और इसके बाद 9 पोस्ट हैं इसकी आप दे सकते हैं असिस्टेंट की पोस्ट हैं, ये आप ग्रेड 16 पे होता है, इसमें बीए बीएससी बीकॉम बीबीए वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्लीट ऐड काफ़ी लार्ज ऐड है, इसकी लास्ट डेट जो है 18 मार्च है। ये ऐड आप जो है 3 मार्च के डेली न्यूज़पेपर में दे सकते हैं, 3 मार्च के संडे के डेली न्यूज़पेपर में। इसके अलावा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। तो आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपने पीपीएससी का जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है आपने वहाँ पे जाना है, उस पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। इसकी 600 रुपये फ़ीस होती है, और आपने 600 रुपये इसका जो चलान फॉर्म होता है आपने वो डाउनलोड करके बैंक में चले जाना है, वो चलान फॉर्म आपने जो है फिल करके वो बैंक में आपने जमा करवा देना है, और आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है जो पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपने ऑनलाइन करना है। आपने कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ सेंड नहीं करने हैं, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, आप मोबाइल से या कंप्यूटर से आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये कम्प्लीट ऐड आपके सामने है, आपको जो फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, जो पीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। ये लास्ट डेट आप क्लियरली दे सकते हैं 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के मेल्स और फीमेल्स दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जॉब्स, उम्मीद करते हैं आपको पसंद नहीं होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।